HCF of 2691 by using Euclid division algorithm कैसे find करें अभी हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका छोटा number है, ये आपका बड़ा है, तो हमें अपना छोटे का बड़े में divide करना है। ठीक है, चलिए divide करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका divide हो गया 6 × 3 = 18, कितना 3 बार 78 आ गया। उसके बाद हमने अपना माइनस किया, यहाँ से आ गया आपके पास 3, यहाँ से आ गया 1। जो माइनस करने पर संख्या आती है दोस्तों, इसका क्या करना है, वापस इसमें रिवर्स डिवाइड करना है। इसका 26 में डिवाइड किया, कितना आपका 2 टाइम डिवाइड हो गया, कितना आ गया 26। फिर हमने इसको माइनस किया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने जिस नंबर से डिवाइड किया, यानी जिस स्टेप में आपका हमें 0 मिला है, उस स्टेप में हमें अपना क्या मिलता है, HCF मिलता है। HCF क्या, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया और 0 मिला, वही आपका HCF है। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका HCF है, कितना है 13। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यहाँ पे समझ पाए हैं। करना क्या है, देखिए सिंपल है, छोटे का बड़े में डिवाइड करना है, फिर माइनस करते जो संख्या आ रहा है उसका उल्टा डिवाइड कर दिया। फिर भी यदि नहीं होता तो फिर आपका ऐसे सीक्वेंस उल्टा डिवाइड करते जाना है, जहाँ 0 आ जाता है जिस नंबर से डिवाइड करने पर, वो आपका HCF बन जाता है। धन्यवाद।